जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी मेरा सवाल है, मेरा सवाल है मुर्गी बिजनेस है कड़कनाथ, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं आदमी लोग, किस चीज में? समझ रहे हैं ना, कड़कनाथ मुर्गी है। हाँ, कड़कनाथ मुर्गी। हाँ तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं आदमी, तो उसमें मैंने 10,000 इन्वेस्ट करने से 20,000 देते हैं, मतलब 10% के हिसाब से 20 महीना तक 1,000 करके महीना, तो वो जायज है या ना जायज है, वो पूछना चाहता मतलब था। उसकी शक्ल क्या है? शक्ल मतलब है, जो हम 10,000 नहीं देंगे तो वो बीस बीस मतलब हम 10,000 देंगे तो 20 महीना तक हमको 1,000 करके महीना देंगे, और मूल पैसा भी नहीं देंगे, मतलब उसी में पूरा क्लियर हो जाएंगे, समझ गए ना। तो वो लोग क्या मुर्गी का बिजनेस करते हैं? हाँ बिजनेस में लगा के 10% का हिसाब से मैंने हमको देंगे, हम लगाएंगे तो मतलब 20 महीना तक, समझ रहे ना। देखिए हाँ, शेख देखिए असल में सेन मसला भाई। जो है ना, वो जी कड़कनाथ मुर्गी है, एक नस्ल है हाँ उसकी, और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कि ये एक साथ उसको 10,000 देंगे तो वो हर महीना इनको हजार हजार करके ऐसे 20 महीने तक देगा पैसा, जी, और आखिर में वो खत्म 10,000 वो वापस हो नहीं गया। करेंगे, मतलब उसी में पूरा क्लियर है। गोया कि 10 देंगे तो आपको 20 मिलेगा, 10 फायदा होगा आपका। 10% का हिसाब से उन्हें बिजनेस का लाभ बोल रहा देंगे। देखिए ठीक है, बिल्कुल सवाल क्लियर है आपका। इसको हमारी शरीयत की इस्तेलाह में इसको मुदारबा कहा जाता है। मुदारबा का मतलब ये है कि एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा दे और दूसरा आदमी उस पैसे से बिजनेस करे, और फिर जो उस बिजनेस में फायदा हो दोनों के दरमियान हस्बे इत्तेफाक उस फायदे को, उस नफा को तकसीम कर दिया जाए। इसको मुजारबा कहा जाता है, जिसको कि आप इन्वेस्ट कह रहे हैं, आप उसी को मुजारबा कह सकते हैं। तो मुजारबा के जायज होने के लिए कई एक शर्तें हैं। उन शर्तों में से एक बुनियादी शर्त यह है कि जब आप वो पैसा दे रहे हैं सामने वाले को बिजनेस करने के लिए, तो जी ये तय नहीं होना चाहिए कि आपको इतना फायदा देगा। वो जो रकम मिलने वाली है फायदे में आपको, वो रकम मुतय्यन नहीं होनी चाहिए, वो परसेंट में होनी चाहिए। मुतय्यन और परसेंट में फर्क ये है, जैसे आपने कहा कि हमें वो हर महीना 1,000 रुपया देगा, ये मुतय्यन हो गया, फिक्स हो गया। तो फिक्स अमाउंट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि हम बिजनेस करेंगे, इसमें जो भी फायदा होगा उसमें इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट मेरा। हो सकता है फायदा 1 रुपया हो सकता है फायदा 1,000 हो, तो जितना भी फायदा होगा कम या ज्यादा, आपका जो परसेंट मुतय्यन है उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आपने रकम मुतय्यन कर दिया तो हो सकता है उतना फायदा हो ही ना, या हो सकता है बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। तो रकम मुतय्यन करके इन्वेस्ट करना ये जायज नहीं है, बल्कि परसेंट मुतय्यन होना चाहिए। जब परसेंट मुतय्यन होगा तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ज्यादा होगा तो दोनों का ज्यादा फायदा होगा, कम फायदा होगा तो दोनों का कम फायदा होगा, नुकसान होगा तो दोनों का नुकसान होगा। तो ये पहली शर्त है इन्वेस्ट के अंदर। दूसरी शर्त ये है कि जो कैपिटल रकम है, जो कैपिटल अमाउंट आपने दिया है 10,000, वो कैपिटल अमाउंट आपको लास्ट में वापस मिल जाना चाहिए। फायदा तो दोनों के दरमियान तकसीम होता रहेगा परसेंट के एतबार से। जब वो मामला आप दोनों खत्म करोगे वो एग्रीमेंट, तो आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाना चाहिए। और यहां आप कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये दोनों शर्तें यहां पर नहीं पाई जा रही हैं। लिहाजा जो सूरत हाल आपने जिक्र किया है उस तरीके से इन्वेस्ट करना ये जायज नहीं है। जी 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 भाई, इसमें और भी शर्तें हैं, लेकिन चूंकि यहां पे आपने जो बातें जिक्र किया है मैंने उन्हीं शर्तों का जिक्र किया, वरना इन्वेस्ट के जी अंदर और भी बस शर्त हैं। जी